नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये लल्लन टॉप है। कोरोना वायरस जानवर से इंसान में आया, इस बात पर लगभग सब साइंटिस्ट एकमत हैं। कौन से जानवर से आया, इसे लेकर राय बटी है। पहले कहा गया सांप, फिर बात आई चमगादड़ की, और अब इस कड़ी में नाम लिया जा रहा है पेंगोलिन का। हिंदी में इस जानवर को चीटी खोर कहते हैं। चीन के लोगों ने इस चीटी खोर को खाया, शायद चीटी खोर को चमगादड़ ने खाया था, और चीटी खोर के जरिए ये वायरस इंसानों में दाखिल हो गया। इस दावे का आधार क्या है? चीनी साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक पेंगोलिन और कोरोना वायरस से पीड़ित इंसानों का जीनोम यानी जीन्स का समूह 99% तक मिलता जुलता है। साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वायरस को फैलाने में पेंगोलिन संभावित माध्यम है। ये वायरस चमगादड़ से पेंगोलिन में आया और पेंगोलिन से इंसान में। क्रोनोलॉजी समझिए। आप पूछ सकते हैं कि किससे आया, ये जानना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि तभी वैज्ञानिक कोरोना वायरस का तोड़, उसकी वैक्सीन निकाल पाएंगे जब उन्हें उसका डीएनए प्रिंट समझ में आए, पैटर्न समझ में आए, जीनोम समझ में आए। कौन है ये पेंगोलिन? हमारे बहुत ज्यादा दूर के रिश्तेदार हैं। कैसे? हम मनुष्य स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, पेंगोलिन भी स्तनधारी हैं। रिश्तेदारी यहीं खत्म हो जाती है। पेंगोलिन ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर शल्क होते हैं, स्केल जैसी संरचना होती है, और इसी के जरिए वो खुद की रक्षा करते हैं। पिछले पैर बड़े और मजबूत, आगे के छोटे, और इसके नाखून लंबे। नाखूनों से ये मिट्टी खोदते हैं, चींटी खोजते हैं, और फिर अपनी लंबी जीभ से चींटियों का शिकार करते हैं। यही इनका काम, यही इनका आहार। पेंगोलिन हमारे हिसाब से अमेरिकन शिफ्ट में काम करते हैं, मतलब दिन में सोते हैं, रात में काम पर निकलते हैं, और आसपास खतरा हो तो पेंगोलिन गेंद की तरह हो जाते हैं, चेहरे को पूंछ के नीचे छिपा लेते हैं। ये जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, संरक्षित की श्रेणी में हैं। आप पूछेंगे कि जब इतने संरक्षित हैं तो पेट में कैसे पहुंच गए? आपको ध्यान होगा, कोरोना आया चीन के वुहान से। वहां पर एक चर्चित सी फूड मार्केट है हुनने के नाम से। यहां हर तरह के दुर्लभ जानवरों का मीट बिकता है, पेंगोलिन का भी, और सबसे पहले यही के दुकानदारों को कोरोना हुआ। बाजार बंद है, जांच जारी है। चीनी दावा आपने पढ़ा और सुन लिया, बाकी विशेषज्ञ पेंगोलिन कनेक्शन पर क्या कहते हैं? हमारे सामने बीबीसी की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्रिटिश एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पेंगोलिन के जरिए कोरोना फैलने की बात अभी कंफर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि चीन ने अपनी स्टडी का पूरा डेटा रिलीज नहीं किया है। एक और एक्सपर्ट है जो कहते हैं कि ये बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि पेंगोलिन के जरिए कोरोना वायरस इंसानों में फैला। ये जरूर साबित होता है कि पेंगोलिन में कुछ ऐसा है जो कोरोना वायरस से बहुत मैच करता है। कौन भाई साहब हैं ये? इनका नाम है एडवर्ड होम्स। ये वायरोलॉजिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और नेचर मैगजीन से बड़ी चर्चित ये मैगजीन है, बातचीत में इन्होंने ये बात कही है। अब पेंगोलिन के बारे में एक आखिरी चीज बता लो, इसका मांस क्यों खाते हैं लोग? नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन कहती है कि दुनिया में पेंगोलिन की सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है, हर साल लगभग 1,00,000। चीन और वियतनाम जैसे देशों में इसके मांस की बहुत डिमांड है। चीन में पेंगोलिन बेचते पकड़े गए तो 10 साल की सजा हो सकती है, फिर भी लोग रिस्क लेते हैं। हजारों पेंगोलिन का शिकार खुद चीन में होता है। चाइना बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, इसकी रिपोर्ट बताती है कि चीन में 200 से ज्यादा दवा कंपनियां हैं जो पेंगोलिन के शरीर के टुकड़ों का इस्तेमाल करके 60 तरह की दवाएं बनाती हैं। और बात सिर्फ पेंगोलिन के मांस की नहीं है, इसके जो स्केल्स हैं वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। आप पूछेंगे कितने महंगे? हम बताएंगे कि 1 किलो पेंगोलिन शल्क यानी कि स्केल्स लगभग 3.5 लाख रुपए में बिकते हैं। और क्या होता है इन महंगे स्केल्स का? चीन की जो पारंपरिक दवाई बनाने के तौर तरीके हैं उसमें इन स्केल्स को मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। कभी तेल, कभी मक्खन, कभी सिरका, तो कभी पेशाब में पकाया जाता है, और फिर इससे बहरेपन, मलेरिया और बच्चों के रोने के इलाज का दावा किया जाता है। चीन के जो अंधविश्वासी लोग हैं, ओझा लोग हैं, जो झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, वो भी स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे अच्छा, गाँव देहात के लोग चक्कर में पड़े हैं, तब हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आंकड़ा देंगे। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में एक सर्वे हुआ और इसमें हिस्सा लेने वाले 70% चीनी नागरिकों ने माना कि पेंगोलिन का मांस खाने से स्किन की बीमारी नहीं होती और शरीर के घाव जल्दी भरते हैं। ये तो हुई पेंगोलिन की पीड़ा भरी कथा। फिलहाल कोरोना कथा चल रही है, इससे निपटने के लिए क्या करना होगा,
वैक्सीन की खोज चल रही है, सरकारें टेस्टिंग की तैयारी कर रही हैं, हमें फ़िलहाल लॉकडाउन में रखा गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इफ़ेक्टिव ज़रिया है कोरोना का संक्रमण ना फैले इसके लिए। और इसीलिए लल्लन टॉप अपने अपने घरों से इसके सभी साथी काम कर रहे हैं, मैं भी अपने घर पर बैठा हूँ। आप भी प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, घर पर ही रहिए और देखते रहिए लल्लन टॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।